यहाँ के ये लाइव विजुअल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर हमारे समाज के भविष्य को जो है गढ़ने का काम होता है। एक शिक्षक जिसका कौशल ये माना जाता है कि वो एक दीपक से हजारों दीपक जलाने का काम करता है। इन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से ये तय किया जाएगा कि हमारे बच्चे कितने आगे जाएंगे। इन स्कूल के अवैध निर्माण वाली अंडर कंस्ट्रक्शन इन प्रोजेक्ट्स एंड बिल्डिंग से ये भी तय होगा कि तैयारी की डेवलपमेंट किस लेवल तक हो। तैयारी में आप डिश लगा लें, तैयारी में आपको मंदिर बना लें, तैयारी में आपको पंचायत हॉल बना लें, या तैयारी के रोडों को आप चकाचक करवा दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तैयारी के स्कूल्स की क्या डेवलपमेंट है, इससे तैयारी पंचायत का अंदेशा लगाया जा सकता है कि वो किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसके बाद जो ये अशोक कुमार शर्मा था, पहले इधर डीसी भी था, उसको भी दिया कई बार, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया हूँ मैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं कर रहा। मैं पूरा ब्लेम करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि अगर किसी आप किसी ठेकेदार को टेंडर अलॉट करते हैं, अगर वो नहीं बनाता, आप उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दो, ब्लैकलिस्ट किया जाए या ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये मैं अपने तैयारी के सभी भाइयों बहनों, मामा चाचा मामी दादा दादियों से सभी यही गुजारिश करूंगा कि दोस्तों, मृत सिर्फ वो नहीं है, मरा हुआ व्यक्ति सिर्फ वो नहीं है जिसकी सांसें बंद हो जाती है, मृत व्यक्ति वो भी है कि जो सामने गलत होता हुआ देख कर भी उसे अनदेखा कर दे, वो असली मायने में मृत कहलाता है। आपके नजरों के सामने ये सब चीजें हैं और आप आज तक कुछ बोल ना पाए तैयारी के लोगों, ये आपकी नाकामयाबी। जब बारिश लग जाती तो सारे मतलब भेड़ बकरी की तरह, एक जैसे नहीं होता हमारे पाउडर की कहावत है, मतलब कुड में भेड़ बकरियां सबको एक ही तरह, वैसे यही है। पाउडर के लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो ये देखें कि देखो भाई साहब, ये हमारी असलियत है, ये आपने जिनको वोट दिया है उन्होंने आपको बदले में ये सिला दिया। 2018 से अवैध निर्माण पड़ी हुई ये बिल्डिंग, और ये 2005 से अवैध निर्माण पड़ी हुई ये बिल्डिंग जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के शासन के फेल होने की घोषणा जो है सीधे सीधे करती है। अब आप लोग देखें कि आपने आगे क्या रवैया अपनाना है। आप लोग ये भी देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के अंदर है या रैलियों में बढ़ चढ़ कर जो है लोगों के पीछे नारे लगाने में। तो पाउडर के सभी जनता को हम ये दिखाना चाहेंगे। मैं गुजारिश कर करके थक चुका हूँ कि पाउडर के लीडरों की दुहाई देता फिरूँ, मैं ये भी थक चुका हूँ कर करके कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दुहाई देता फिरूँ या जोनल लेवल के एजुकेशन ऑफिसर्स को दुहाई देता फिरूँ, लेकिन अब मैं जो है पाउडर के लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये रहे तो स्कूलों की हालत की ही, आज से 5 साल पहले आपने कुछ लोगों को वोट दे करके उन्हें चयनित किया था और ये सोचा था कि वोट के माध्यम से हम चोट करेंगे, ताकि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ताकि ऐसे लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ की हालत जो है खस्ता हालत एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या किसी भी विभाग की हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट की हो, वो जो है धराशायी पड़ी हुई है, वो खस्ता हालत में यहाँ पर ये लोग जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं ये बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तैयारी पाउडर, और इसकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अगर आप देख पाए तो 1972 की एस्टेब्लिशमेंट इसकी है, जब इसकी बुनियाद या इसकी नींव रखी गई थी। लगभग 50 साल से ऊपर हो चुके हैं जिस दिन आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज हम जून 2024 में एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 2005 में ये स्कूल जो है अपग्रेड हुआ, प्राइमरी से मिडिल हो जाता है, और हमें इस वक्त त्यारी गांव के अंदर, जो त्यारी पंचायत का मेन गांव है, सबसे बड़ा गांव है त्यारी पंचायत में, यहां पर त्यारी स्कूल की ये हालात हम आपको आज दिखा रहे हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की भी असलियत दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित पाउडर के अंदर किए हैं। पलाली स्कूल की बात करें जो सबसे ऊपर आता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है, और वहीं पर दूसरी जो है कोशिश हमारी है त्यारी के स्कूल को दिखाने की। ये एक कमरा आप देख पा रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है 1972 की एस्टेब्लिशमेंट इस स्कूल की है, जिसमें एक कमरा, मुझे मालूम नहीं इसमें सिर्फ ऑफिस का स्टाफ रहता है, क्योंकि एक ऑफिस भी चाहिए होता, अगर इसमें ऑफिस बनाया जाता है तो फिर यहाँ की जो एनरोलमेंट बच्चों की है वो है लगभग 90+। तो 90+ बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए जो है यहाँ पर एक और कमरा है। एक कमरा ये है दोस्तों, और एक कमरा वो सामने आप देख पा रहे हैं। 1972 की एस्टेब्लिशमेंट के स्कूल में तब से क्या अपग्रेडेशन हुई है ये देखने लायक हमने। ये दो कमरों के अंदर जो है 90+ बच्चों को एनरोल किया गया और 90+ बच्चों को यहाँ पर जो है पढ़ाया जा रहा है। साथ ही में एक बोर्ड लगा हुआ है जो धराशायी हो चुका है, और ये थोड़ी सी जगह जो है वो सामने है जिसे हम स्कूल प्रीमाइसिस के अंडर लेके चलते हैं। सामने ये छोटी सी जगह एक और है जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे ओपन में पढ़ते होंगे। यहाँ के लोकल से भी हमारी बात हो रही थी और उनका यही कहना है कि बच्चे गर्मी झेलते हैं और ओपन में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 90+ बच्चों को यहाँ पर अकोमोडेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है।
और साथ ही में बारिश में भी उन्हें यही रहना पड़ता है, और जब धूप होती है तो धूप में भी यही रहना। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एक और है जिसे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं धराशायी है, विच कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज एट लीस्ट। दिस इज अनदर डोर विच इज हाफ ओपन। ये एक दरवाजा है जो ओपन है, बट इट इज वेरी रिलक्टेंट टू गेट ओपन मोर देन दिस। इससे ज्यादा ये खुल नहीं सकता है। ये एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बंद है, ये एक और स्ट्रक्चर जो बंद है, और ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिडिल स्कूल तैयारी पाउडर कहा जाता है। 90+ बच्चे, जिसमें अगर हम मोटा मोटा लेके चले हैं तो मैं समझता हूँ कि 45 लड़के होंगे या 45 लड़कियाँ होंगी। तो ऐसे में हमारी बच्चियों को ओपन में उन्हें जो है जाना पड़ता है बाथरूम के लिए, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स विच इज टोटली डिफंक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा चुने गए लीडर्स कितनी यहाँ पर जो है नज़रसानी कर रहे हैं, कितनी यहाँ की देख रेख कर रहे हैं, कितनी यहाँ के लिए फाइट कर रहे हैं। हमने ये जो बिल्डिंग आप दोस्तों देख रहे हैं, ये बिल्डिंग 2005 में जब ये स्कूल अपग्रेड हुआ, आप देख सकते हैं ईयर ऑफ अपग्रेडेशन यहाँ पर 2005 लिखा हुआ है, जब इसे प्राइमरी से जो है मिडिल में कन्वर्ट किया गया तब यहाँ पर ये बिल्डिंग सेंक्शन हुई, इसके लिए कुछ पैसा आया। लेकिन ये बिल्डिंग 2005 से आप अचंभित हो जाएंगे देख करके कि 2005 से इसके ऊपर एक ईंट, एक पत्थर और गारे का एक जो है कण या एक बूंद भी नहीं लगा हुआ है। 2005 से बिल्डिंग ऐसे के ऐसे धराशायी पड़ी हुई है, लेकिन किसी मायके लाल ने जो है इसकी अभी तक सुध नहीं ली, कोई भी इसकी सुध नहीं ले पाया। साथ ही में ये बिल्डिंग है जिसका हवाला हमने अभी दिया था, जिसकी तरफ हमने इशारा किया था कि वो बिल्डिंग है जो 2005 से डिफंक्ट पड़ी हुई है, और उस बिल्डिंग को छत मिलने का काम जो है नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा जो है डिग्रेड हमारी सोसाइटी हो सकती है, इस बात का मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि 2005 से एक बिल्डिंग की छत वैसे की वैसी रह जाती है, जिस पे लेंटर नहीं डाला जाता और जिसे जो है यूज़ में नहीं लाया जाता। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक और बिल्डिंग है सामने, बिल्डिंग ऐसी कि जो 2018 से आई हुई है यहाँ पर, इसका काम लगाना चाहा ठेकेदार ने, आधा अधूरा करके छोड़ दिया। भगवान जाने उनके क्या वजूहात थे, क्या मसले थे जो ये नहीं कर पाए। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर ये देखने को मिलता है कि बहुत स्पेशियस रूम जो है यहाँ पर हैं, 90+ बच्चों के हिसाब से जो है ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं जो है अच्छी हो सकती थी, लेकिन ये पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि यह हम लोगों की जो है नाकामयाबी है या नालायकी भी हमारे समाज की है कि अभी तक बन नहीं पाई। अब एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम कोसने से रहे, किस लिए कोसेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का राज है, गवर्नर रूल है, तो यहाँ पर हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। ये एक और तीसरा कमरा इस 2018 में आई बिल्डिंग का आप इस वक्त देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी की लकड़ी रखी हुई है और इस पर भी जो है लेंटर या छत नहीं है। आज तक हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया, पलाली के स्कूल दिखाए, मचेल के स्कूल दिखाए, कोहल के स्कूल दिखाए और भी अन्य जगहों के स्कूल दिखाए, लेकिन आज इस नाले में, हिमाचल नाला कह लें जिसको हम, या इश्तियारी नाला या त्यारी नाला कहें, बहुत ही खस्ता हालत। किससे उम्मीद करें, किससे अपील करें, वी आर हेल्पलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। त्यारी स्कूल में हम इस वक्त हैं, यहाँ की बिल्डिंग्स की खस्ता हालत हमने आपको दिखाई, धरातल की सच्चाई भी आपको दिखाई कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। 90+ बच्चों के ऊपर जो है 5 टीचरों का निर्धारण और निर्धारित यहाँ पर किए गए हैं, डिप्यूट किए गए हैं। 6 टीचर एक्चुअली यहाँ पर स्टाफ के थे, उसमें से एक टीचर को अटैच SDM ऑफिस में करा गया है, जो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि अंडर स्टाफ ये लोग हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी ये कहती है कि एक टीचर के ऊपर 13 बच्चे छोड़े जाएं, उस हिसाब से ये लोग जो हैं अंडर स्टाफ हैं। लेकिन आइए यहाँ के लोकल से बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना, बिना किसी देरी के बात करते हैं यहाँ पर सुरजीत जी से। सुरजीत जी यहाँ के एक्स पंच भी रह चुके हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में, और इन पिछले 5 सालों में तैयारी में क्या क्या काम हुए उसके बारे में भी बताएं, और अगर उनके बारे में नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस स्कूल के बारे में बताएं जिसमें सिर्फ 2 कमरे और ये धराशायी बिल्डिंग है पड़े, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल तो सर आपने तो खुद मतलब आपने खुद ही देखा है, मायना करके देखा है क्या अच्छे हैं या बुरे हैं, यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बिल्डिंग, और कमरे और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यहाँ तो 2 कमरे हैं, एक तो पुराना कमरा ये रहा जमाने का, उसके बाद कोई 4-5 साल के बाद दूसरा कमरा दिया, वही कमरे चले हैं तो चले हैं। नए कमरे जो आए हैं 2005 से सेंक्शन हुई ये बिल्डिंग, तब से ये अनकम्प्लीट ऐसे की ऐसी रही। ये इसके ऊपर है सर जी, एक बिल्डिंग जी, वो 2017-18 से शुरू है जी, जब कि वो भी अनकम्प्लीटेड है। अच्छा। रही बात हम टीचरों की, अच्छा टीचरों की, यहाँ तो बच्चे कम से कम से 95-90 की क्रॉसी है, 95 तक भी हो सकते हैं, लेकिन जबकि यहाँ इतने बच्चे भी है। अब आप इतना ही खुद ही जान लीजिए मेरे से क्या पूछना या क्या मैं सुनाऊं अपने मुंह से,
इन दो कमरों में क्या 90 बच्चे या 100 बच्चे बैठ पाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। शौचालय का हाल देखो जरा, शौचालय के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों के जमीनों में या कहीं रास्ते में या कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है भी, तो यहाँ बाथरूम नहीं है या पढ़ाई के लिए बच्चे हैं एक कमरे में। अगर हमारे पास कमरे होते थे तो अलग अलग रूम में दो दो क्लासें, चलो तीन तीन क्लासें रखते थे एक रूम में, लेकिन वो तो सुविधा तो है ही नहीं। कहाँ टीचर स्टाफ रहेगा और कहाँ बच्चे रहेंगे? बच्चे, मैं जानना चाहूँगा सुरजीत जी, बच्चे बच्चियाँ बाथरूम के लिए कहाँ जाते हैं? ये तो चलो एक दो इस साल इलेक्शन के दौरान ये दो रेडी किए हैं, बाकी अनकम्प्लीटेड है, बाकी बच्चे तो बाहर ही जाते हैं, बाहर जाते हैं बच्चियाँ भी और बच्चे भी। बिल्कुल, खेतों में और रास्तों में तो लोगों ने तो गालियां भी मारनी। बिल्कुल मारनी। खेत में जाने, एक तो गंद है ऊपर से गंदगी और गालियां, कहां कहां जाएंगे? टोटल कितना स्टाफ थे आइट? यहां तो स्टाफ छह अच्छा, टीचर है। अभी कितने हैं? छह में से ये सबसे बड़ी बात है, हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, हमारी बदकिस्मती इसलिए है, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन किसी ऑफिसर से भी बोलना चाहता हूँ, आपने मतलब पार्लर के यावरे हैं, किसी जितने भी बड़े हैं लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि छह स्टाफ तो टोटल, एक तो पहले हमें कम था, हमें तो 7-8 की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो हमें 7-8 के जगह 6 तो दिए थे, चलो 6 तो रेडी रहे, लेकिन 6 भी नहीं है, 6 में से एक टीचर हमारा कहीं उधर SDM ऑफिस में लगा। अच्छा, हम उसके बारे में पूछते हैं कि भाई एक टीचर क्यों नहीं है, तो बोलते नहीं जी उसकी SDM ऑफिस में ड्यूटी लगी। तो काहे की ड्यूटी है, क्यों लगे वहाँ? अगर वहाँ ड्यूटी है तो कहीं दूसरे स्कूलों से ले लीजिए, तो हमारे तैयारी के स्कूल एक तो ऑलरेडी मतलब कम टीचर हैं, ऊपर से यहाँ से टीचर लेके SDM ऑफिस में रखा है, तो वहाँ ये तो हमारे साथ ना इंसाफी हुई। मैं खुद DC के साथ भी बात की। अच्छा, सरपंच साहब तो जाते रहते हैं DC के पास, हमने भी कई बार DC साहब के पास किश्तवाड़ में जाके DC साहब को इन बिल्डिंगों के बारे में और हालात मतलब स्टाफ के बारे में कहा, लेकिन कुछ एक्शन तो हुआ नहीं। रही बात बच्चों की, हम भविष्य, हम तो सोचते छोड़ो जी, हमारा भविष्य तो खराब हो गया उस वक्त, इतना वो नहीं था वो। आज अगर हमारे बच्चे, हम इतना खून पसीना बहा रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल, अगर हमारे बच्चे यहाँ अच्छे ढंग से पढ़े या अच्छा स्टाफ मिले, अच्छा शिक्षा मिले हुए हैं, तो कुछ ना कुछ काबिलियत हासिल कर पाए। अगर यही खसला हाथ रहेंगे तो यहाँ तो क्या, यहाँ सिर्फ खेलना है, खाना है और निकल जाना है। बारिश लगी तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, धूप लगी तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? ये सर ग्राउंड के हालात देखो, ये तो पिछले साल मतलब नरेगा में ये ग्राउंड दिया, नहीं तो यहाँ परेड करने के लिए ग्राउंड नहीं है। अच्छा। अब बच्चे खाना जब 1 बजे का लंच का खाते हैं तो वो कहाँ खाते हैं? वो भी पेड़ के नीचे, ऊपर से क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े गिर जाना या कुछ कई असाब, किसी बच्चे को चक्कर आ जाता, बुखार चढ़ जाता है तेज धूप में, कहाँ बिठाएंगे? जब है ही नहीं, रूम ही नहीं है, क्या करें? स्टाफ की एक कमी थी, वो भी ले लें SDM साहब ने, चलो जी मैं इसकी ड्यूटी है SDM ऑफिस में, तो हमारे साथ ना इंसाफी नहीं तो क्या हो? बहुत बदकिस्मती है सर, बोलना चाहता हूँ, ये तो हमारी बदकिस्मती है, सबसे बड़ी बदकिस्मती मैं बोलता हूँ हमारी है, जो हमारे इन स्कूलों को अच्छे ढंग से नहीं चला जा रहा है, बिल्डिंगे नहीं बन रही है। अगर बिल्डिंगे नहीं है तो क्या बोलते हैं, एक तो ऑलरेडी बिल्डिंग नहीं, टीचर भी नहीं है, तो यहाँ तो खसला हालती है ना, यहाँ तो हमारी सबसे बड़ी क्या बदकिस्मती है ना। बिल्कुल, करें तो करें क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर जी, क्या कहना चाहेंगे, ये जो कीर्तिमान स्थापित किया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर, क्या आपके बच्चे इस तरह से इस फैसिलिटी के चलते, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ के, इस जो है सिस्टम में पढ़ के, क्या आगे के बच्चों को जो है कम्पीट कर पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर, वो तो बिल्कुल डिफंट पड़ा हुआ है, उसमें रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये एक रूम में 95 समथिंग बच्चे हैं, उनको कैसे आप हैंडल कर पाओगे? उन्हीं दो रूमों में सर स्टाफ का ऑफिस भी है, और स्टाफ का ऑफिस भी है, और बारिश में चलो अगर मौसम ठीक रहेगा तो बाहर पढ़ाएंगे, जब बारिश आएगी तो कहाँ पढ़ाएंगे? कोई रहने के नहीं है, फिर भेड़ बकरियों की तरह रूम में एडजस्ट किया जाता है और बच्चों को उसी हालत में पढ़ाया जाता है। इस मामले में मैंने यानी कि इन रूम के बारे में CEO इवन की डायरेक्टर अशोक कुमार शर्मा के पास मैं खुद विजिट किया था, उसके पास मैंने हैंडओवर किया लेटर, उसके बाद DC को, एडिशनल DC को यानी कि दिया हुआ था, यानी कि इतने ओपन यानी कि इन्वायरमेंट में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? इवन अगर कोई ऐसा भी केस इंसिडेंट हैपन हो जाएगा, इधर कोई केस हो जाएगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वही पढ़ा रहे हैं ओपन इन्वायरमेंट में। SDM को बताया, DC को भी बताया,
सीईओ को भी बताया, डायरेक्टर को भी बताया, मैं खुद उसके ऑफिस में गया। एक चीज पूछता हूँ आपसे सिकंदर भाई, एक चीज हम पूछना कि कैसे गलती है नहीं ले दे के चलो एजुकेशन डिपार्टमेंट तो भले तेनापा काम ने क्या छेड़का है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कैसे गलती है नहीं मूलता बेसिक किसकी गलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जो यहाँ की अमावाम जनता है सबसे दोषी उनको ठहराता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अपने बच्चों के उनको परवाह ही नहीं है, केयरलेस है, देखभाल नहीं है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम नहीं बेटर होगा तो हमारा कुछ भी बेटर नहीं होगा। एजुकेशन ही से ही तरक्की होगी, बिल्कुल एजुकेशन होगी तो हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, हमारे ही गांव में सुधार आएगा। यदि अगर हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो हमारे इन फ्यूचर यानी कि डार्क में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिटी के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आपके सरपंच का कार्यकाल यहाँ पर खत्म हुआ है, क्या आपने उनसे इल्तिजा करी थी, रिक्वेस्ट दी थी, मेमोरेंडम दिया था, और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा ये भी जरूर बताएं। मेरे साथ सरपंच खुद भी आए थे, डायरेक्टर के पास भी गए थे, उसने भी दिया था, लेकिन उसके के कहने पर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो लेटर भी पड़े हुए हैं, मैं अभी परसों अभी ड्यूकॉम और सेक्रेटरी को भी मैंने फॉरवर्ड करवाया इस स्कूल के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा लास्ट में ये कहना है कि जब तक यहाँ की पूरी आवाम नहीं जागरूक होगी, तब तक आप जिस चैनल पर जाओ, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, कुछ होने वाला नहीं। सिकंदर जी, आप एक युवा हैं, आप अपने गांव की कहानी बखान कर रहे हैं इस वक्त, गांव की स्टोरी बता रहे हैं, अपने स्कूल की स्टोरी बता रहे हैं, अपने लोकल जगह की स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलो मीडिया कर्मी होने के नाते कि हमारे पाडर के लगभग सभी गांव की यही हालत है। जो मरकज गुलाबगढ़ कह लें या अठौली कह लें, हेडक्वार्टर से जो भी उसके क्लोजेस्ट विसिनिटी में है, वहाँ पर थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है, लेकिन जब हम उनसे दूर जाते हैं तो लगभग हर जगह यही हालात हैं। एज ए युवा पाडर के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बात आती फाइनेंशियली स्ट्रांग, वो तो अपने बच्चों को बाहर लेकर पढ़ा लेंगे, कोई जम्मू पढ़ाएगा, कोई दिल्ली पढ़ाएगा, कोई कहाँ, तो जो फाइनेंशियली पोर है, जो यानी कि सुबह दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को लाते हैं, उसी से अपना खर्चा भी चलाते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, मेन इफेक्ट उन पर पड़ेगा जी, क्योंकि उनका फ्यूचर डार्क में जाएगा। अगर हमारे पास हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो मैं मुझे लगता था ये स्कूल कब से क्लोज हुआ होता था, यहाँ कोई बच्चा नहीं पढ़ता, बिल्कुल सभी प्राइवेट में जाते, सभी प्राइवेट में। यही है कि मेरा कहना है कि यहाँ की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, उठेगी नहीं, आवाज़ नहीं उठाएगी, खुद आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक पॉसिबल नहीं है। चलिए आखिरी में एक संदेश दे दीजिए, किससे अपील करेंगे कि क्या होना चाहिए, लीडरों से करेंगे, डीसी साहब से करेंगे, यूटी गवर्नर ऑफिस से करेंगे, किससे अपील, क्या अपील रहेगी आपकी? मैं तो पहले सबसे अपने जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है देवेंद्र यादव से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनके हेड में बहुत प्रकार के पैसे आते हैं, कम से कम सो अपने हेड से किसी फंड से अगर थोड़ा बहुत अमाउंट दे देंगे तो ये लेंटर लग जाए, तो हमारे बच्चे इस तपती धूप में से बच सकेंगे और फ्यूचर में अच्छा पढ़ाई कर सकेंगे। अगर ऐसे ही माहौल रहेगा, अभी तो यहाँ पर विंटर, जब विंटर अप्रोच करती हैं तो विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर बैठ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर दो रूमों में एडजस्ट करना काफ़ी। लीडर्स की बोला चाहने यार, ऐसा हमेशा डीसी बुने, गवर्नर बुने, लेकिन ऐसे चुनाव आने जो क्या आते वोट देते होने तेने किसने बोना किच। एक्चुअली में लीडर जो लीडर हमने बनाए हैं वो तो हमारी मिस्टेक है, हमने किस प्रकार के लीडर बनाए हैं वो हमारी मिस्टेक है, हम लीडरों को दोष नहीं देना चाहते, वो हम पहले हम खुद दोषी है कि हमने किस प्रकार के लीडरों को बनाया है और किस लिए बनाया है। हम जब भी कोई लीडर अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें सोच कर उन लोगों को चुनाव करना चाहिए जो हमारे भविष्य को देखेगा, हमारे गांव की आवाज़ उठाकर जाएगा आगे और हमारे जो गांव के मसले हैं उनको हल करेगा, उनको देखकर। ऐसे में तो जिसको उसको उठा दिया, 5 साल का कार्यकाल हो गया ख़त्म, उसके बाद अपने घर में बैठे खज्जल, फिर हमें हमारी कौन सुनवाई करेगी।
चलिए सिकंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हम आशा यही करते हैं कि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचे जो पावर रखते हैं कि यहाँ पर कुछ तब्दीली लाई जाए, यहाँ पर चेंज लाई जाए, और उन लोगों तक भी पहुंचे और लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर वो रियलाइज़ करें कि उनको जो है आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत अच्छा आपका स्टेप है कि आपने इस बारे में बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को भी कहेंगे कि देखते रहें पाउडर मचेल। जय हिंद, जय भारत।